क्या आपके भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा डार्कनेस है? आपके चेहरे पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, टैनिंग है आपके चेहरे पर, डेड स्किन आपके फेस पर जमा हुई है? तो उसके लिए बहुत ही आसान सी रेमेडी लेकर आई हूँ। तीनों सामान हम जो हमारी किचन में अवेलेबल है, कुछ भी आपको मार्केट से जाकर लाने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं चावल का आटा। चावल का आटा आपकी स्किन की डेड स्किन को बिल्कुल रिमूव कर देता है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का रस। टमाटर के रस में होती है एंटी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध आपकी टैनिंग को रिमूव करने में हेल्प करेगा। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना और एक फेस पैक होम में से बनाकर अब रेडी कर लेना है। और ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारे फेस पर अप्लाई होने के लिए। तो जब भी आप कुछ अप्लाई करो तो आपके हाथ और आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है, कोई मेकअप नहीं है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस जो फेस पैक को हमने रेडी किया है इसे लेना है और पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करनी है। और आप मसाज करने का तरीका आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हैंड यूज़ करना है, क्योंकि इसमें चावल का जो आटा है वो हल्का सा दरदरा होता है। तो ये स्क्रबिंग का भी काम करेगा। इससे आपकी जितनी भी टैनिंग है, डेड स्किन है, वो ईजिली रिमूव हो जाती है। बहुत अच्छा फेस पैक है, हफ्ते में 2 बार अप्लाई कीजिए। और हर एज ग्रुप के इसे यूज़ कर सकते हैं, गर्ल्स भी और बॉयज़ भी इसे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये टैन रिमूवल फेस पैक है, बहुत अच्छा है। और इस तरीके से आपको हल्की हल्की सी मसाज करनी है और जो बाकी का जो फेस पैक बच गया है उसे अपने पूरे चेहरे पर अप्लाई करना है। 3 से 4 मिनट मसाज करने के बाद जो हमारा बच गया है उसे हम ऐसे अप्लाई कर लेंगे और 4 से 5 मिनट इस फेस पैक को अपने पूरे चेहरे पर लगा रहने देंगे। तो जो अगर आप अपने हाथों पैरों पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना लीजिए, अपने हाथों पैरों पर भी अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं 4 से 5 मिनट के बाद। तो ये जो फेस पैक है वो ड्राई हो चुका है। कभी भी अगर आप कोई फेस पैक अप्लाई करते हो तो उस फेस पैक को आपने टोटली ड्राई नहीं करना है। सेमी ड्राई जब होता है, आधा गीला आधा सूखा, उसे आपने रिमूव कर लेना है। तो यहाँ मैं इस तरीके से इसे साफ़ कर रही हूँ और साफ़ करते करते आप ग्लो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। इसको यूज़ करने से हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए। और इसे रिमूव करने के बाद आपको कोई भी फेस पैक अप्लाई करते हो, उसे रिमूव करने के बाद आपको एलोवेरा जेल या कोई मॉइस्चराइज़र या कोई फ्रूट क्रीम आपको ज़रूर अप्लाई करनी है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें।